राशन पानी के लिए हम लोगों को दूर जाना पड़ता है। फिर मतलब वेतन हम लोगों को यहाँ पर रोजी मंजूरी कम मिलता है। यहाँ पर तो मेरे पास तो राशन कार्ड नहीं है। हमारे बच्चे लोग मिट्टी में होते हैं, मिट्टी में सो जाते हैं। अब हमको यहाँ से निकाल जाएंगे, हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कोई जगह नहीं रहने। किससे मांगने जाएं, कोई चादर दे दे, कोई सूटर दे दे मैं पहनूं, कोई अच्छी झोपड़ी बना दे तो वहाँ मैं सुरक्षित रहूं, कौन करता है। आते नहीं है सर, हम क्या 60-70 रुपए में क्या स्कूल भेजेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। अधिकतर माइग्रेशन जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो होता है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्सनल रीजंस के कारण होता है, जो जो आमतौर पे समाज के मुख्य धारा से ये वंचित रहते हैं। सरकारी योजनाएं जैसे बीपीएल कार्ड, नरेगा, हेल्थ कार्ड और अन्य सोशल सिक्योरिटी मेजर्स से ये वंचित रहते हैं। हमारा ये प्रयास है कि कैसे इन व्यक्तियों को, इन लोगों को समाज के विकास, समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। किसी कारण से हम पलायन को पूरी हद तक अगर समाहित नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ी नीतिगत विषय पर इनकी पहचान कम हो जाएगी और जो शासन का रिसोर्स एलोकेशन है, गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेशन है, वो उन तक पहुंच नहीं पाएगा। शेडेड एक्शन के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पे हम उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के जो नगरीय क्षेत्र हैं या महानगर हैं उनमें, उन क्षेत्रों की हम पहचान कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे व्यक्ति रहते हैं या निवास करते हैं और उसकी एक मैपिंग एक्सरसाइज करके हम सेंसस के दौरान जो हम 9 फरवरी से 28 फरवरी और उसके बाद 1 मार्च की रात्रि के बीच में हम करेंगे, उन व्यक्तियों को हम वहीं पर जाकर जहाँ पर वो रात्रि में रहते हैं उनकी हेड काउंट करेंगे।